हेलो। तो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 21 से 40 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को जेई के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दी मिनिमम लेंथ ऑफ परमानेंट रेल क्लोजर ऑन रनिंग लाइन फॉर स्पीड अप टू 100 किलोमीटर पर आवर्स एंड ऑन अदर देन LWR ट्रैक। देखिए, इसमें अगर स्पीड 110 किलोमीटर तक है तो इसका रेल क्लोजर कितना होगा? तो इसका होगा 5.5 mm का होगा, यानी मीटर में है। तो हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं आप लोग को समझने के लिए। ये क्या पूछ रहा है? रेल क्लोजर, परमानेंट रेल क्लोजर पूछ रहा है, अगर स्पीड इसका 100 किलोमीटर तक ही रहे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोएबल शियर स्ट्रेस ऑफ 90 UTS रेल। 90 UTS रेल का शियर स्ट्रेस कितना होते हैं? तो 22.5 kg/mm². चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग मार्क्स ऑन द रेलवे शल बी रोल्ड एट द इंटरवल ऑफ। देखिए, इसका 4 मीटर होते हैं रोलिंग मार्क। इसको हाईलाइट करके मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे रोलिंग मार्क है, वेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्री रेल व्हील स्टैकिंग शल बी सपोर्टेड एट लिस्ट 8। तो इसका देखिए उत्तर होगा 4 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मैक्सिमम परमिसिबल ऑफ ओवरहैंग इन 13 मीटर 90 UTS रेल। मैक्सिमम परमिसिबल ओवरहैंग इन 13 मीटर 90 UTS रेल। तो इसका 13 मीटर ओवरहॉलिंग का कितना, देखिए, इसका रहेगा परमिसिबल ओवरहैंग। तो ये होगा 3.25। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिंगिंग पॉइंट ऑफ वियर रेजिस्टेंस। दो स्लिंगिंग पॉइंट के बीच कितना दूरी होना चाहिए? यहाँ पे देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोग को याद करने के लिए। दो स्लिंगिंग पॉइंट के बीच कितना दूरी होना चाहिए? तो 6 से 6.50 मीटर इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड गैप एट ए फिश प्लेट ज्वाइंट। फिश प्लेट ज्वाइंट का स्टैंडर्ड ज्वाइंट गैप कितना होता है? तो इसका 6 mm होगा इसका उत्तर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि मैक्सिमम गैप विच कैन बी एकोमोडेटेड एट ए रेल ज्वाइंट इन नॉर्मल कंडीशन। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका 15 mm उत्तर होता है, मैक्सिमम गैप विच कैन बी एकोमोडेटेड एट ए रेल ज्वाइंट इन नॉर्मल कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ज्वाइंट शुड हैव ए गैप ऑफ। कॉम्बिनेशन ज्वाइंट कितना का गैप कितना होता है? तो आप लोग को मालूम है कि कॉम्बिनेशन का कुछ भी गैप नहीं होते हैं, यानी इसका उत्तर 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। साउंड वेव फ्रीक्वेंसी डैश साइकिल्स पर सेकेंड आर करेक्टराइज एज अल्ट्रासोनिक। देखिए, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है
हम लोग जो है अल्ट्रासोनिक जो वेव है इसका कितना ध्वनि होने पे उसको हम अल्ट्रासोनिक तरंग हम बोलेंगे। तो 20,000 से अगर अधिक रहता है, 20,000 से अगर अधिक रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक तरंग। 20,000 से अभव तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ नॉर्मल प्रोब। नॉर्मल प्रोब का एंगल ऑफ नॉर्मल प्रोब कितना होता है बताइए आप लोग। तो ये होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आई एम आर रेल शैल बी रिप्लेस्ड विद इन डैश डेज ऑफ डिटेक्शन। कहते आईएमआर रेल को कितने दिन के अंदर बदल देना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है तो 3 दिन के अंदर, 3 डेज के अंदर हम लोग को बदल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओबीएस फ्लो शुड बी डैश विद इन 3 डेज। एक अगर ओबीएस है तो उसको कितने दिन के अंदर उसको फ्लो कर सकते हैं हम लोग। तो वो देखिए ये होता है जॉगल करते हैं उसको हम लोग। ओबीएस को 3 दिन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगर ओबीएस होता है तो 3 दिन के अंदर हम लोग उसको जॉगल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट ऑफ एटीवेल्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ। तो कहते हैं कि एटीवेल्डिंग के कितने दिन के बाद हम इसको जांच कर सकते हैं। तो एटीवेल्डिंग को हम लोग 1 साल के बाद भी जांच कर सकते हैं, इसका 1 ईयर उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकमेंडेड रेल सेक्शन ऑफ ब्रॉड गेज न्यू लाइन ट्रैक रिन्यूअल एंड कन्वर्जन। इनका कहना क्या है देखिए हिंदी में कि सिफारिश जैसे करते हैं ना कि नया लाइन है ट्रैक चेंज करना का है, नया पटरी बनाना है या पटरी बदलना है, तो उसमें कितने केजी और कितने यूटीएस का रेल लगाना चाहिए। तो उसमें देखिए ये उत्तर हो जाएगा सी नंबर 60 केजी 90 UTS का रेल उसमें लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहते प्राइम क्वालिटी रेल्स आर। देखिए अब इनका क्वालिटी क्या क्या है, देखिए इसमें प्राइम क्वालिटी रेल जैसे क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो रेल का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए तो सभी होना चाहिए। जैसे कि इसमें गुड क्वालिटी का होना चाहिए, यूज ऑन मेन लाइन में प्रयोग होना चाहिए और यूज ऑन ऑल रनिंग लाइन में प्रयोग होना चाहिए। गुड क्वालिटी का होना चाहिए, मेन लाइन में प्रयुक्त होना चाहिए, रनिंग लाइन में प्रयुक्त होना चाहिए, इसका सभी उत्तर हो जाएगा, सभी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडस्ट्रियल यूज रेल आर यूज इन। इंडस्ट्रियल पटरियों का उपयोग कहाँ किया जाता है। इनका कहना कि तो देखिए इंडस्ट्रियल पटरियों का उपयोग कहता है साइडिंग विथ SR अप टू 50 किलोमीटर पर आवर्स। देखिए 38 क्वेश्चन है कि प्राइम क्वालिटी रेल आर फर्दर क्लासिफाइड एज क्लास ए एंड बी बेस्ड ऑन। अब देखिए इनका उत्तर क्या होगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रेशनेस। क्या बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रेशनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट RTSO रेल स्पेसिफिकेशन फॉर क्लास 1 रेल। तो क्लास 1 रेल का देखिए यहाँ पर ऐसा याद रखें क्लास 1 रेल RTSO का इसका जो मान होगा आई, ये बी नंबर होगा, सॉरी बी नंबर नहीं होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर सी नंबर होगा। कभी कभी उत्तर हम भी भूल जाते हैं, अगर कुछ ऐसा गलती होगी तो सॉरी माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ग्रेड 90 UTS इज इक्विवेलेंट टू। 90 UTS किसके बराबर होते हैं, तो आप लोग बताइए। 800 MPa
मेगा पास्कल समझिए। तो आज का वीडियो इतना ही रहने दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।